आप सुन रहे हैं असर रेडियो और मैं हूं आपकी होस्ट पूर्वा। इस पॉडकास्ट में हम उन लोगों से बात करेंगे जो आमतौर पर पढ़ाई से जुड़ी चर्चाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं। इस सीरीज के दौरान हम मुख्य रूप से ग्रामीण भारत के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बात करेंगे ताकि हम लॉकडाउन के दौरान उनके सीखने सिखाने के अनुभवों को समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। असर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में केवल एक तिहाई छात्रों को सर्वे सप्ताह में किसी भी प्रकार की पढ़ाई की सामग्री मिल पा रही थी। रिपोर्ट से हमें ग्रामीण भारत में बच्चों के लिए डिजिटल सुविधाओं के अभाव का भी पता चला। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल के 8% छात्रों और निजी स्कूल के करीब 18% छात्र ही सर्वे सप्ताह में ऑनलाइन कक्षाएं ले पा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान सरकार और स्कूल दोनों की तरफ से बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए कदम उठाए गए थे, लेकिन फिर भी शिक्षकों को बच्चों से जुड़ने में काफ़ी कठिनाइयां हुईं। शिक्षकों के इन्हीं अनुभवों को और अच्छे से समझने के लिए आज हम महाराष्ट्र से सागर कोकने जी और असम से सूर्य प्रभा जी से बातचीत करेंगे। नमस्ते सागर जी और सूर्य प्रभा जी, आप दोनों का असर रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके परिचय से शुरू करते हैं। आप हमारे श्रोताओं के लिए बताएंगे कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आप कौन सी स्कूल और कक्षाओं में इस समय पढ़ा रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम सागर कुकने है और मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से हूँ। अभी हमारे जिले में श्रीरामपुर एक तालुका है, वहाँ के टाकलीवन गांव का मैं रहने वाला हूँ और यहाँ हमारे तालुका में श्रीरामपुर में एक अशोक इंग्लिश मीडियम स्कूल करके है, वहां पे मैं अभी पढ़ाता हूँ। वहाँ पे 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड को मैं मैथ एंड साइंस पढ़ाता हूँ और 11th एंड 12th को मैं वहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। नमस्ते मैम, पूर्वा मैम, मेरा नाम सूर्य प्रभा दास है। मैं नौगांव जिले में रहती हूँ, असम। यहाँ मैं हुजाई जिले में एक स्कूल शिक्षिका के रूप में यहाँ पर काम कर रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम है पांचाली एमबी स्कूल, मतलब 1 से लेकर क्लास 8 तक बच्चों को पढ़ाती हूँ। जी, तो जैसे कि हमें पता है कि कोरोना के कारण करीब 1.5 साल तक स्कूल्स बंद रहे थे और इस दौरान पढ़ाई जारी रखने के लिए अध्यापकों ने काफ़ी कदम उठाए थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान आपके क्या अनुभव रहे। सागर जी, आप पहले बताना चाहेंगे। मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसे मानो जैसे हमारे लिए जैसे भूजल जैसा था, एक ऐसा अर्थक्वेक आता है ना, वो टीचर्स के लिए। हम ऑनलाइन जूम मीटिंग हो या फिर गूगल मीट हो, इस पर जब हमारी मीटिंग अरेंज करते हैं तो यहाँ सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिटी के बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब वहां पे नेटवर्क का इशू वगैरह होता है ना। जी जी जी। तो क्या होता था जब हम हमारी मीटिंग प्रोग्रेस में होती थी, मतलब कोई टॉपिक हम अगर एक्सप्लेन कर रहे होते तो कभी कभी वो बच्चे अचानक से लेफ्ट हो जाते थे या फिर अचानक से फिर ज्वाइन होते थे, उनको कभी कभी हमारी आवाज नहीं जाती थी या फिर वो क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा था। मतलब इतनी दिक्कतों भरा पीरियड था। मतलब ऐसे कोविड योद्धा जो होते थे वो सिर्फ डॉक्टर, नर्स या पुलिस, यही लोग कहते थे, लेकिन असल में कोविड योद्धा हम लोग थे, टीचर लोग थे, मतलब वो भी थे लेकिन हम भी थे। मतलब क्या था कि सब शुरू था लेकिन एजुकेशन जो है ना वो स्टॉप हुआ पड़ा था। मतलब बाजार खुल गए थे, सब कुछ चीजें मिलने लगी थी, कुछ चीजें आसान होने लगी थी, लेकिन स्कूल जो थे ना, स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे। सूर्य प्रभा जी, आप बताना चाहेंगे कि आपके लॉकडाउन के दौरान कैसे अनुभव रहे? पहले ये जो मतलब हालात या सिचुएशन पैदा हुई है COVID-19 के वजह से, उसके वजह से काफी सारे दिक्कतें हम लोगों को सामना करना पड़ा, खास करके स्कूल के बच्चों को। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो स्कूल आने के बाद टीचर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और फिर हम क्लासरूम्स में जो डेमोंस्ट्रेट करते हैं क्लासरूम में, उनसे थोड़ा बच्चों को मतलब
जैसे कि ऑनलाइन में हम लोगों ने तो की है, लेकिन जैसा स्कूल के कक्षा में होता है वैसा एनवायरनमेंट शायद हम बच्चों को दे पाए ऑनलाइन के थ्रू, तो ये एक दिक्कत हुई है। और दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे हमारे स्कूल के वे सब रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो रूरल एरिया के साथ साथ उन लोगों के माता पिता ये मतलब इकोनॉमिकली उन लोगों के कंडीशंस पुअर है, तो इसकी वजह से वो उतना सफिशियंट मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कर सके इसके लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है वो शायद प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ ऑनलाइन में नहीं जुड़ पाते हैं, ये एक समस्या है। जी, तो अच्छा, तो ये तो हो गई बच्चों की बात। मेरा अगला सवाल है कि इस दौरान क्या माता पिता से जो आप बातचीत करते थे पहले और लॉकडाउन के बाद, उसमें किसी तरह के बदलाव आए? मतलब जैसे कि बच्चे लापरवाह हुए, उनके पेरेंट्स भी उनकी तरह उदासीन हुए पहले साल। मतलब जब फर्स्ट ईयर का जो, अभी तो 2 साल तक चला कोविड ना, 1.5 साल तक, तो जी पहले जी साल में जी वो पेरेंट्स भी इतने उदासीन थे कि जाने दो सर, क्या एग्जाम भी होने वाले नहीं है, क्यों इतना लोड लेने का, एक ही तो बच्चा है, उसके साथ रिस्क लेके क्या करने का, घर में रहा तो जिंदा रहा तो घर में रहेगा, मतलब उसको कुछ हुआ तो क्या करेंगे, ऐसे वो बहुत सारी उदासीनता जी उनमें थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये उनकी टेंडेंसी अभी थोड़ी सी चेंज हो गई। कुछ पेरेंट्स ऐसे अच्छा भी थे, सपोज जैसे कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, सरकारी स्कूल में तो उनको फीस भरनी पड़ती नहीं, 100-200 रुपए में वो आगे चले जाते। लेकिन प्राइवेट में क्या होता था, 10-15 हजार, 20 हजार उनकी फीस रहती है प्राइवेट स्कूलों की। तो कुछ पेरेंट्स ने ये भी रीजन दिया फी ना चुकाने का, कि पेंडेमिक चल रहा है, आपने कुछ सिखाया तो नहीं, बच्चों का एग्जाम ही नहीं हुआ तो हम फी क्यों पे करें। तो ये जो स्कूल होते हैं प्राइवेट स्कूल ना, उनका सब आमदनी जो होता है वो सब फीस से आता है। तो जी जी पेरेंट्स ने बिल्कुल क्या किया, फीस पे ही नहीं की। मतलब बड़े बड़े स्कूल होते तो उनकी 20-20, 30-30 लाख तक फीस पेंडिंग रही। तो उसका अच्छा साइड इफेक्ट क्या, जो टीचर लोग होते हैं, स्टाफ होता है, दैट पर्टिकुलर स्कूल वाज नॉट एबल टू पे देम, वो उनको पे करने में सक्षम ही नहीं रहे। तो छोटे स्कूल वाले थे, उन्होंने स्कूल बंद कर दिए। ये बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को। और जी कुछ जी जी ऐसे भी स्कूल थे, उन्होंने इतनी सख्ती की कि यू हैव टू पे इन एनी कंडीशन, आपको किसी भी कंडीशन में पे करना ही पड़ेगा, मतलब नहीं करेंगे तो आइए आपके बच्चे का ELC या TC जो है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लीजिए और चलते बनिए। तो मतलब उन पेरेंट्स ने फीस भी अपडेट कर दी, उनकी ड्यूज क्लियर कर दी। ये सब करने जी के बाद भी उस स्कूल ने, उनका जो स्टाफ है, उनको ये बात बताई ही नहीं कि हमारी फीस तो पूरी आ चुकी है। ये वो भी बोल गए कि फीस ही नहीं आ रही है तो आपका पेमेंट कैसे करें। मतलब क्या हुआ, उन्होंने फीस तो ली, मतलब यहाँ पर स्टाफ का पेमेंट भी नहीं किया। ऐसे भी बहुत अच्छा सारी घटनाएं हुई। हाँ अच्छा, सूर्य प्रभा जी आप बताना चाहेंगी कि आपकी बच्चों के माता पिता से किस तरह की बातचीत होती थी? हाँ, पेरेंट्स का भी रोल रहा है, मतलब उन लोगों के मतलब कुछ पेरेंट्स को उन लोगों को काफी इंटरेस्ट है कि जैसे बच्चे अगर ऑनलाइन भी बिजी रहे क्लास करने के लिए तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मतलब होता है कुछ कुछ पेरेंट्स जिनको मतलब काम पर जाना होता है, और हम लोगों के जो स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर ज्यादातर बच्चों के माँ बाप या तो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या फिर दिन मजदूरी करते हैं, तो उन लोगों के जो मोबाइल्स होते हैं बच्चे घर पर मतलब नहीं पाते, उन लोगों के माँ मम्मी या पापा लेके जाते हैं, तो जब कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग बाहर है अभी तक काम अभी तक मतलब काम पर है, अच्छा, तो और हम अब लोगों से जितना बन पड़ता है हम लोगों ने मदद की है, जी, ऑफ कोर्स, वो कभी तो है वीडियो ही। भी बनाकर दिया है, हम लोगों के जो कॉलेज है जो मैथ्स या साइंस को मतलब साइंस के क्लासेस करते हैं
उन लोगों ने तो पूरा वीडियो बनाकर दिया है, जैसे यूट्यूब में बनाते हैं ना, वैसे बना अच्छा। कर दिया है। तो जब स्कूल्स खुल जब नॉर्मल स्कूल्स चल रहे थे, जब कोविड नहीं था, तो क्या आप इतना पेरेंट्स से मिल पाती थी, उनसे बातचीत कर पाती थी, या वो स्कूल आते थे पहले? हाँ, पहले आते थे, फिर हम लोगों के मतलब एक ऐसे भी मतलब मंथली जो मीटिंग होते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसी पर हम लोग मिलते थे। हाँ, मतलब घर में जो जाना होता बच्चों से मिलने के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के पेरेंट्स से मिलने के लिए, वैसा मतलब पहले इतना नहीं होता था, सही बात है। लेकिन इसके वजह से कुछ मतलब गवर्नमेंट के भी मतलब डायरेक्शन थे कि हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो हम लोग गए। हम लोग घर पर जाके उन लोगों को ये समझा पा रहे थे कि मतलब स्कूल जाना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोगों के स्कूल में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है, तो इसके वजह से उन मतलब कम उम्र वाले बच्चों को मतलब कुछ ऐसे दिन मजदूरी के काम भी करने पड़ते थे, जिसके वजह से बीच बीच में स्कूल भी रुक जाते थे, उन लोगों की पढ़ाई रुक जाती थी। तो इनके बारे में मतलब समझा पाए, उन लोगों से बातचीत कर पाए, तो यही एक अच्छा मतलब दिशा हम लोगों को सीखने को मिला। जी, तो अब जैसे ज्यादातर स्कूल्स खुल रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके स्कूल्स की क्या स्थिति है, क्या बच्चे स्कूल्स आने लग गए हैं और कक्षाएं किस तरह से चल रही हैं? जब तक खुला नहीं था स्कूल, तब तक मतलब पेरेंट्स मतलब फोन करते थे कब स्कूल खोलेंगे, कब स्कूल खोलेंगे। अभी खुल गया है लेकिन बच्चे आते नहीं है, तो इसके आपको क्या क्या कारण लगते हैं कि क्यों कम बच्चे आ रहे हैं अभी स्कूल? इसका कारण? शायद मतलब अभी तो फिर से एक COVID-19 का डर सा मतलब सुनने को मिल रहा है कि फिर से बढ़ गया है, शायद ये कारण हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, जैसे स्टार्टिंग में आपने हमें थोड़ा सा बताया था कि बच्चे काफी बदमाशियां ज्यादा करने लग गए थे फोन के जी उसमें, क्योंकि डर जी थोड़ा टीचर्स का कम हो गया था या गेम खेलने लग जाते थे, तो जी इस तरह का कोई आप ऐसा मोमेंट जो कि थोड़ा फनी हो या ऐसा कुछ बात शेयर कर सकते हैं जो आप जी जी को? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ, हाँ, मेरा 9th का साइंस का लेक्चर चल रहा था ठीक है। और एक बच्चा था, तो उसने वो माइक को म्यूट करना ही भूल गया। तो उसने क्या अच्छा, किया, उसने क्या किया, गलती से इंस्टा पे रील्स ओपन कर लिए उसने, और वो जो रील्स वो जो सुन रहा था ना, वो तो हम सब सुन रहे लगे, हर एक बच्चे के पास वो रील्स आने लगे, नहीं मतलब कि मुझे सुनने लगे ये क्या चल रहा है। और वहां पे ये हम देख पाते हैं कि जो होस्ट है तो वो कौन बात कर रहा है, किसका कैमरा ऑन है। तो बिल्कुल। वो जो बच्चा था, हमने क्या किया, दूसरे फोन से उसके पेरेंट को कॉल किया और बोला कि ये देखिए आपका बच्चा अभी भी इंस्टा का रील देख रहा है, जरा उसे बोलिए कि वो रील बंद करे यार, फिर लेक्चर में ये आ जाए। ये सब लेकिन ओहो हुआ है, बहुत बार हुआ है। जी, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप हमारे शो के माध्यम से पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए सिर्फ इतना मैसेज है कि जिस तरह वो आपके बच्चे हैं, जब वो स्कूल में आते हैं वो हमारे भी बच्चे बन जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली उनके या घर पे पेरेंट्स हो, तो यहाँ पर हम उनके पेरेंट हैं इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उसकी सिक्योरिटी के लेकर, उसकी हेल्थ के इश्यू को लेकर आपको बिल्कुल ही सिक्योर हो जाए, या फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर स्कूल में उसके हर तरह के हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। आप दोनों का आज हमारे शो के लिए समय निकालने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी खट्टी मीठी चर्चा आपको पसंद आई। हम आपसे जल्द ही असर रेडियो के अगले एपिसोड पर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।